ॐ नमो शिवाय, ॐ नमो शिवाय। बालक, हम तुम्हारी हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न हुए। क्या इच्छा है बालक तुम्हारी? कोई एक वरदान मांगो बालक। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया प्रभु। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं जगत का कल्याण कर सकूं। हम तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे तुम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के ज्ञाता बनोगे बालक। कल्याण हो बालक, कल्याण। कैसे आना हुआ बालक? बाबा जी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बाबा जी, मेरा इकलौता बेटा है, इसकी शादी नहीं हो रही है। बाबा जी, कछु उपाय करो। बाबा जी, कछु उपाय करो, और कुछ ऐसा करो कि ये मेरी बातें भी मानने लगे। बाबा जी, पापा, ये कहां लेकर आए आप मुझे? ये सब ढोंगी बाबा होते हैं, इनके चक्कर में पड़ना बहुत बेवकूफी होती है। घोर कलयुग, एक तपस्वी का अपमान। सभी बाबा एक जैसे नहीं होते, मूर्ख। हे, तुझे अभी भस्म कर दूंगा। अबे, दिख नहीं रहा इतने बड़े बाबा जी हैं? अपनी शक्ति से हवा में घंटे की तरह झूल रहे हैं, और तू बकेती करे जा रहा है, बकेती करे जा रहा है। शांति से बैठे तो जितिया लगाए देंगे कान के नीचे। सॉरी बाबा, सॉरी। कहां से मिलेगी तुम्हें लड़की शादी के लिए? पहले तो तुम लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हो, और अब बाबा के पास आए हो। तुमने भी एक लड़के की चाहत में तीन तीन कन्या भ्रूण हत्या की है। तुम पाप के भागी हो। आपको कैसे पता लगा बाबा? हम अंतर्यामी है बालक, हम सब जानते हैं। हर हर महादेव। बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन खानदान का वंश तो लड़कों से ही चलता है। बाबा जी, इसमें मैंने क्या बुरा किया? मूर्ख बालक, तुम जैसे सोच वाले लोगों की वजह से आज लड़कियों की संख्या कम हो गई है। इसलिए तेरे लड़के की शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। वाकई में ही कन्या भ्रूण हत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है, और किसी भी पाप को ये पाप नहीं करना चाहिए बाबा जी। लेकिन कछु उपाय करो बाबा जी, अब पाप हो गया है तो क्या करें बताओ? पश्चाताप है हमें। बाबा जी, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं। आपके इतने महान विचार हैं कि मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बाबा जी, इस नालायक पे भी कुछ कृपा कीजिए। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसी से इसकी शादी करा दो बालक। लेकिन बाबा जी, वो लड़की ना हमारे धर्म की है ना जात की है, उससे हम शादी कैसे करा सकते हैं इस लड़के की? मोरा बालक, जब भगवान ने धर्म और जाति नहीं बनाया तो तुम लोग धर्म और जाति बनाकर इंसानी धर्म को क्यों मारते हो? इंसान का धर्म और जाति इंसानियत है, इंसानियत। और अच्छे कर्म को करना ही एक सच्चा धर्म है बालक। जा, तेरा कल्याण हो।